हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल मचा हुआ है और समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने फिबोनाची लगाया और फिबोनाची का जो लेवल है वो कुछ ज़्यादा क्रेजी लेवल पे है। वो क्या है, ये मंथली टाइम फ्रेम है और मैं जस्ट फॉल, ये 2020 का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ जीरो रखा और जो आज ऑल टाइम हाई है वहाँ पे 100 रखा, उस अकॉर्डिंग मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एक जो इम्पल्स हमारा क्या है उस मोमेंट में, कि क्या शो करना चाह रहा है। तो ये है मंथली, ये है अभी चल रहा है 78% के नीचे और ये हमारा मंथ क्लोज होने वाला है, आज हो गया है 27 अप्रैल, मतलब आज नहीं कल 28 अप्रैल को ये अप्रैल का पूरा मंथ कैंडल ख़त्म हो जाएगा। और इसको देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। तो मैंने ये कुछ सेटअप बना के रखा है कि ये चल रहा है अभी 36,404 के आसपास और आप ये देख सकते हो कि 36,600 के आसपास में इधर से कैंडल भी आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 कुछ चार रिजेक्शन मिल चुके हैं ऊपर से। और आज का जो डे क्लोजिंग है वो जस्ट हमारा 78% के नीचे है और अभी ये कहाँ तक जा सकता है एक अप्रॉक्स। और आज का जो मार्केट हमारा चल रहा है ये आप इधर देख सकते हो कि SGX निफ्टी कुछ 0.94% गिर गया है, NASDAQ 2.38% फॉल हो चुका है और DAX भी इतना फॉल हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कल का दिन तो डेफिनेटली हमारा गैप डाउन होने वाला है और ये गैप डाउन जो हमें शो कर रहा है और नीचे का हमारा सपोर्ट कुछ 35,500 और पूरा पूरी 35,000 पे, ये जस्ट नीचे का जो लेवल है हमारा वहाँ पे शो कर रहा है। मे बी कल या परसों तक में अगर ये कंटिन्यू ऐसा रहा तो कल 35,000 दिख जाए या कल, कंफर्म है कि ये वहाँ तक आ सकती है। और अगर 35,000 के नीचे अगर क्लोजिंग किया तो ये डे टाइम फ्रेम है तो आप देख सकते हो कि मार्केट फिर वापस 32,000 के आस लेवल की ओर चल देगा, क्योंकि उसके पास से पहले तो कोई भी एक ऐसा सपोर्ट नहीं मुझे दिख रहा जहां से ये स्टेबल हो सके। तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि व्यूज़ तो आ जा रहे हैं लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कन्विक्शन बहुत लेट से आती है लेकिन आती ज़रूर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।